सब्सक्राइब कीजिए टिप्स ट्रिक्स ट्रबल शूट को और बेल आइकन को दबाइए टैक्स से रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स और न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टिप्स ट्रिक्स ट्रबल शूट में। दोस्तों, फ्लिपकार्ट हमें दे रहा है एक अलग तरह की फैसिलिटी, जिससे हम फ्लिपकार्ट ऐप से उधार माल खरीद सकते हैं और उसका भुगतान करेंगे हम अगले मंथ। मीन आप एक बिना क्रेडिट कार्ड होते हुए भी एक क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटी फ्लिपकार्ट ऐप में यूज कर पाएंगे। जानिए इस फैसिलिटी के बारे में और ये भी जानिए कि क्या है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन। उससे पहले कीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ताकि आपको इस तरह के मिलती रहें अपडेट्स। दोस्तों, फ्लिपकार्ट ऐप तो आपके मोबाइल में होगा ही, अगर नहीं है तो आप अपने मोबाइल में फ्लिपकार्ट ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, जैसे मैंने कि इंस्टॉल कर रखा है। जैसे ही आप फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करेंगे आपके सामने बहुत से प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपके सामने आ रहे हैं शूज़। मान लीजिए मैंने इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया। ध्यान रखना दोस्तों, ये फैसिलिटी सिर्फ उन्हीं पर है जहाँ पर ये फ्लिपकार्ट अश्योर्ड का लोगो आएगा। जिस पर यह लोगो नहीं आएगा वहाँ पर उधार माल की फैसिलिटी नहीं होगी। सिंपली आपको बाय पे टच करना है। बाय पे टच करके आपने अपना साइज सेलेक्ट किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया और आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं मेरे शूज़। और मैं कंटिन्यू करूंगा, ऊपर मेरा एड्रेस मेंशन हो रहा है, कंटिन्यू पे क्लिक किया। और दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन। जैसे ही मैंने फ्लिपकार्ट पे लेटर पे टच करा और यहाँ से कंफर्म करूंगा और मेरा ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। पर रुकिए दोस्तों, यहाँ पर आप इस फैसिलिटी का इस तरह से फ़ायदा नहीं उठा सकते जैसे मैंने दिखाया है। उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, पहले उनको ज़रूर जान। दोस्तों सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे को इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी आने वाले 10 दिसंबर को, मीन आज से एक महीने के बाद। दोस्तों इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे मैं बैक करता हूँ, यहाँ देखिए एलिजिबल फॉर द फ्लिपकार्ट पे लेटर, यहाँ पर मैंने टच करा, यहाँ पर आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन आ गई हैं। मेरे को यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है 5,000 रुपये तक की फ्लिपकार्ट पे लेटर की लिमिट। आपके मोबाइल में कितनी आती है, किसी के मोबाइल में 3,000 आती है, किसी के मोबाइल में 5,000 आती है, हो सकता है किसी किसी से 7,000 भी आ रही हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मेरे यहाँ पर 5,000 की पेमेंट आ रही है। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, रीड्स ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन शो हो रही हैं। पहली कंडीशन ये है दोस्तों कि ये फैसिलिटी सिर्फ कुछ ही सेलर्स के द्वारा दी जा रही है, मीन सभी प्रोडक्ट पे आप इस फैसिलिटी का फायदा नहीं उठा सकते। दोस्तों दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी पुरानी आईडी होनी चाहिए फ्लिपकार्ट पर। अगर आप ये सोचें कि न्यू आईडी से आप फ्लिपकार्ट में पे लेटर की फैसिलिटी का फायदा उठा पाएंगे तो दोस्तों आप गलत हैं। न्यू आईडी से आप फ्लिपकार्ट पे लेटर का फायदा नहीं उठा सकते। थर्ड कंडीशन ये है दोस्तों कि आपका जो बिल बनेगा जिस मंथ आपने शॉपिंग करी है उससे अगले महीने की 1 तारीख को और उसी मंथ की 10 तारीख को आपको भुगतान करना पड़ेगा। फोर्थ कंडीशन ये है कि अगर आप ये बिल पेमेंट करने में असमर्थ रहते हैं तो दोस्तों आपको लगेगा 2,000 से नीचे की शॉपिंग पर 100 रुपये का फाइन, 2,001 से लेकर 4,000 तक की शॉपिंग पर आपको लगेगा 200 रुपये का फाइन और 4,000 से ऊपर की अगर आपने शॉपिंग करी है तो आपको लगेगा 400 रुपये तक का फाइन। दोस्तों फिफ्थ कंडीशन ये है कि जब आप इस फैसिलिटी का फायदा उठाते हो तो सेलर और फ्लिपकार्ट को ये राइट होता है कि वो आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं बिल भरने के लिए। सिक्स्थ कंडीशन ये है दोस्तों कि अगर आप इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं तो आप किसी भी बैंक ऑफर का फ़ायदा नहीं उठा सकते, जैसे SBI और एक्सिस बैंक के ऑफर्स फ्लिपकार्ट ऐप पर आते रहते हैं। और सेवन्थ लास्ट कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर आप इसमें किसी भी तरह की चीटिंग करते हैं तो फ्लिपकार्ट को ये राइट होगा आपके ऊपर लीगल एक्शन लेने। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे किसी भी तरह की मुश्किल टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, बहुत ही आसान टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आप इस फैसिलिटी का फायदा उठाते हैं तो बस आपको रहना पड़ेगा थोड़ा सा ईमानदार और बस आप इस फैसिलिटी का बिल्कुल आसानी से फायदा उठा सकते हो। 5,000-3,000 तक का माल मंगा सकते हो और आपको पेमेंट करना पड़ेगा अगले महीने की 10 तारीख को। तो ये थी दोस्तों आज की लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।